So today we are going to discuss the last chapter of the Indian economy, that is development experience of India, a comparison with neighbors. Bete, because this chapter is quite important because its weightage is of 6 marks. One chapter, weightage 6 marks. Okay? So आपने अच्छे से इसको करके जाना है क्योंकि 6 marks का question, there could be 2 questions of 2 marks each and 1 of 4 marks or 1 question of 6 marks. That depends upon the examiner. ठीक है. सो बेटे, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. ठीक है, क्यों कंपैरिजन हम तीनों कंट्रीज का कर रहे हैं? तीनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तीनों का बर्थ ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुआ है, यानी इनकी एज सेम है. ठीक है, और ये नेबर्स हैं. सो इट मेक्स सेंस टू कंपेयर दीज इकोनॉमी. पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड चाइना इमीडिएट नेबर ऑफ इंडिया ओनली. सो लेट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. बेटे, सबसे पहले हम इन तीनों की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज का कंपैरिजन करेंगे कि ये तीनों इकोनॉमीज ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, उसके बाद हम 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर इनकी डेवलपमेंट को कंपेयर करेंगे. 4 पैरामीटर्स कौन से हैं? फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ रेट. ठीक है, कौन सी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है, कम है, उसके बेसिस पर. सेकंड इज बेटे सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कौन सी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कम ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है इन तीनों इकोनॉमीज का, इसका कंपेरिजन भी करेंगे 1951 में कैसा था और करंट कैसा है, यानी क्या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस हुई है, इंक्रीज हुई है, ये सब करेंगे उसमें. तीसरा जो पैरामीटर है बेटे, दैट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. डेमोग्राफी वर्ड रिलेट्स टू पॉपुलेशन. तो जो पॉपुलेशन के फीचर्स हैं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, एवरेज एक्सपेक्टेंसी, ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कहा जाता है. इनके बेसिस पर कंपेयर करेंगे तीनों इकोनॉमीज को. फोर्थ इज बेटे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. आपको मालूम है यूएनडीपी एक रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, उसके बेसिस पर वो रैंकिंग करती है कंट्रीज को, तो उसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, सो हम देखेंगे तीनों कंट्रीज इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान, इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंकिंग है. ठीक है, यानी उसमें भी हम यही देखते हैं बेटे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं, एडुकेशनल अटेनमेंट के बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ लिटरेसी रेट के बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, तो वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय दीज 3 इकोनॉमीज. ठीक है बेटे, ये जो तीनों कंट्रीज थी, इनकी इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, मतलब दे वर गिवन बर्थ ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. इट्स नॉट दैट इंडिया वाज बोर्न इन 1947, बट बिकॉज इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन द ईयर 1947, सो वी कंसिडर इट एज द बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंस. एट द सेम टाइम पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, सो पाकिस्तान ऑल्सो गॉट एस्टेब्लिश. इसकी तो एस्टेब्लिशमेंट हुई ही 1947 में इन ट्रू सेंस. China got established as People's Republic of China. इसको PRC भी कहा जाता था, ठीक है, in the year 1949. So we can say all of them got their independence almost on the same year. Now, all the 3 economies, बेटे, they adopted the model of economic planning. Development strategy तीनों की same थी. तीनों ने क्या किया बेटे? तीनों इकोनॉमीज कंट्रीज ने ही 5-year plans अडॉप्ट किए. ठीक है, इंडिया में फर्स्ट 5-year plan वाज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1951. ठीक है, चाइना में फर्स्ट 5-year plan वाज सेट अप इन द ईयर 1953. बेटे, ये जितना भी डाटा है ना, इस चैप्टर का डाटा लर्न करना है, ये आपको 1 marker में भी आ जाता है. ठीक है, कौन सा प्रोग्राम कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ और किसने एस्टेब्लिश किया और उसका पर्पस क्या था, दैट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है। देन पाकिस्तान ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कब एस्टेब्लिश किया, 1956 में, ठीक है। अब कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की बेटे, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न रखा, मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न था विच मींस देयर वाज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, बट ग्रेटर रोल वॉज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर, मोर द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज एम्फसाइज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। यानी हम ज्यादा इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दे रहे थे, हम कह रहे थे कि कंट्री अगर डेवलप होगी तो दैट वुड बी यू नो बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर ओनली, प्राइवेट सेक्टर जो था दैट वॉज अंडर द कंट्रोल रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर वॉज देयर बट देन इट वॉज रेगुलेटेड, राइट, इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड बाय द यू नो एक्शंस, गवर्नमेंट वुड रिस्ट्रिक्ट, उसकी कुछ एक्टिविटीज थी जो कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करके रखी हुई थी, जैसे लाइसेंसिंग सिस्टम हो गया जिस कारण से उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, उसकी फ्रीडम कम थी, ठीक है। एंड चाइना अगेन सेम मॉडल था, मिक्स्ड इकोनॉमिक था, प्राइवेट एंड पब्लिक था, बट इट वॉज विद स्टेटिज्म, स्टेटिज्म मीन्स ग्रेटर रोल वॉज एम्फोसाइज, प्राइवेट सेक्टर नाम का था, मेजर रोल वॉज एम्फोसाइज ऑन द यू नो पब्लिक डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, सेम वॉज द केस विद पाकिस्तान, मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न भी पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट किया हुआ था, ठीक है। तो बेटे इंडिया में क्या हुआ, बाय द ईयर यू नो बाय द 2000 और टिल नाउ आप कह सकते हो 8 डिकेड्स हमने प्लानिंग के कंप्लीट कर लिए। 1991 में हमारी कंट्री में एक ऐसी सिचुएशन आई कि हमें यू टर्न लेना पड़ा, यू टर्न मतलब हमें जो हमने पब्लिक सेक्टर के रोल को एम्फसाइज किया हुआ था, ठीक है, हमें अब पब्लिक सेक्टर की जो डोमिनेंस थी उसको छोड़ना पड़ा, अब हमें प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेट करना पड़ा। सो वी इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर 1991, ठीक है। अगर आपने हर्षद मेहता मूवी, मैंने आपको बोला था देखने को, उसने बताया भी है कि 1992 में जब स्कैम यू नो वो हुआ कि पता चला कि स्कैम हो रहा है, उससे पहले मार्केट बूम में जा रही थी, उसको कौन बूम में ला रहा था, हर्षद मेहता वॉज साइकनिंग मनी इन टू द मार्केट, दैट्स वाई उसका इंडेक्स बढ़ रहा था, वेयर एज गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के कारण जो है सेंसेक्स बढ़ रहा है, कि पीपल हैव शोन फेथ इन अवर यू नो एलपीजी पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट्स वाई सेंसेक्स इज राइजिंग, बट दैट वॉज नॉट द केस, दैट वॉज यू नो लेटर ऑन डिस्कवर्ड, बट देन नो डिनाइंग द फैक्ट कि 1991 तक हमें पता है कौन सी सिचुएशंस आई, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग इट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चैप्टर में हमने किया है, बीओपी डेफिसिट बढ़ गया था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम रह गए थे, सो ऑल दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द इकोनॉमी टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, दैट इज द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, 1991, whereas China was the first one to initiate reforms, अपनी economy को liberalize करने में number one कौन था, China, it started the reforms in the year 1978, Pakistan in the year 1982, ठीक है। अगर हम China की बात करें बेटे, China में हम जो period है ना वो हम दो parts में divide कर देते हैं, one is the Mao period, another is post Mao period, so I am erasing this matter, so do I need to tell bete Mao period that there was establishment of PRC in the year 1949, first 5 year plans were introduced in the year 1953, great leap forward campaign which was introduced by Mao in the year 1958 under which all the households were encouraged to set up industries in their courtyards, in their own houses. Then great proletariat cultural revolution was introduced by Mao in the year 1969, under which all the professionals were to work for 1 year in the rural areas, right? Then commune system of farming was also there, under which farmers were encouraged to have a collective farming. They did not have their individual lands. Communes were granted to them in which they were to, you know, do agriculture collectively. Land was not owned by them.
आफ्टर दैट बेटे पोस्ट मायो पीरियड आता है जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए 1978 में, कम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया गया, राइट। सो अंडर पोस्ट मायो पीरियड मेनी चेंजेस वर ब्रॉट, दैट ऑल्सो वी कैन डिस्कस। ओके, सो लेट अस डिस्कस द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ठीक है, पोस्ट मायो पीरियड जिसको हम रिफॉर्म पीरियड भी कहते हैं, विच स्टार्टेड आफ्टर 1976। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल द कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इंडिविजुअल फार्मर्स वर अलाउड टू डू फार्मिंग, इवन दो ओनरशिप स्टिल रिमेन्ड विद द गवर्नमेंट, बट यस दे वर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स व्हिच वुड यू नो मोटिवेट द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर, एज नाउ दे डू नॉट हैव टू यू नो शेयर देयर प्रॉफिट्स। Then it is state owned enterprises which we commonly refer to as public sector undertakings in India. They were allowed to face competition from the private sector. Right? Earlier what was there? Private sector naam ka hi tha, tha hi nahi China mein, bahut kam tha. Due to which public sector enterprises jisko competition face nahi karna padega, wo inefficient hoga, wo wahan pe corruption breed karegi, वो कस्टमर को कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है, कंपटीशन नहीं है तो इंप्रूवमेंट नहीं होती, एफिशिएंसी नहीं होती। सो नाउ अंडर दिस पीरियड रिफॉर्म पीरियड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वर आल्सो अलाउड टू फेस कंपटीशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन विच यू नो बीट एग्रीकल्चरल सेक्टर और बीट इंडस्ट्रियल यूनिट्स दे वर अलाउड टू यू नो बाय एंड सेल अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट and output from the government at a fixed price, at a price fixed by the government. And rest, if they demand to buy more or sell more, they can do so at the price in the open market, at the prices which are fixed by the market forces. Jaise ki suppose ek farmer ko 20 say quintals fertilizer ki ya 20 kgs fertilizer ki zarurat hai, तो गवर्नमेंट ने कहा 10 केजी तो हम तेरे को प्रोवाइड करेंगे, 10 केजी यू आर अलाउड टू टेक एट द रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज ऑब्वियसली लेस। और अगर आपको 10 केजी से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, आप मार्केट से मार्केट प्राइस पे खरीद लीजिए। क्लियर, दिस वाज द ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम अडॉप्टेड इन चाइना। देन बेटे टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेट अप इन चाइना, इंडिया में भी हैं लेकिन इंडिया में भी हमने ये कहां से अडॉप्ट किया है ये प्रैक्टिस, चाइना को देखिए। चाइना ने लार्ज इंडस्ट्रियल लार्ज जोन, चाइना एक वास्ट कंट्री है तो चाइना ने बड़ी बड़ी यू नो एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी फैक्ट्रीज अपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर सकते थे एंड दे वर गिवन ऑल दी फैसिलिटीज, इवन द रूल्स वर रिलैक्स्ड फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर यू नो सेटअप इन इंडिया। अगर आज आप देखो सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में है, क्यों? 1978 में तो उसने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसने 1980s में सेटअप कर लिए, तो दैट वॉज द यू नो इनिशियल पीरियड वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स वॉन्टेड टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स बियॉन्ड देयर कंट्रीज, से US कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, UK कंपनीज हैं, they wanted to expand, so to which country should they go? China had opened their doors for them, so they came to China, they went to China, they set up their enterprises, they got lot of incentives, they made huge profits, China also benefited. Jahan pe foreign investment aayegi wahan par benefit. So as I told you that we will be comparing these economies on the basis of four parameters. First parameter is GDP growth rate. So if we make comparison of these three economies, that is India, China and Pakistan, we have the data available for the year 1980 to 1990. In this decade, India's GDP grew by 5.7% per annum. Growth in GDP, GDP means level of output, right? And growth in GDP indicates, agar 100 crore 2001 mein produce hua hai, और अगले साल 110 करोड़ प्रोड्यूस हुआ है, विच मींस 10% इंक्रीज इन जीडीपी इज देयर, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब अगर पिछले साल 100 करोड़ थी और इस साल 90 करोड़,
हो रही है तो 10% कॉन्ट्रैक्शन है, राइट। सो अगर हम कंपेयर करें 1980 टू 1990 तो 5.7% एट द रेट ऑफ 5.7 एवरेज रेट है बेटे, पर ईयर है एवरेज का मतलब। ऐसा नहीं है कि 80-81 में भी इतने ग्रो हुई, 82-83 में भी इतनी हुई, ऑन एन एवरेज हमने पूरे 10 इयर्स का देख लिया, उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो वी गॉट दिस एवरेज फिगर। चाइनीज इकोनॉमी ग्रू एट द रेट ऑफ 10.3%, लार्ज इंक्रीज, ह्यूज इंक्रीज इज देयर, इट इज वन ऑफ द यू नो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टुडे, एंड द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ चाइना इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू इट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी। चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा है और इट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। चाइना क्यों गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सपोर्ट करने के लिए। सो इसकी जो एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। पाकिस्तान अहेड ऑफ इंडिया 6.3% पर एनम। अगर अब हम कंपेयर करते हैं 2015-17 का अवेलेबल डेटा जो हमारे पास है, 7.3%, ठीक है। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो गई ग्लोबलाइजेशन के कारण, और प्राइवेट सेक्टर क्योंकि लिबरलाइज किया, पब्लिक सेक्टर को भी कॉम्पिटिशन मिला, प्राइवेट सेक्टर भी एक्सपैंड हुआ, तो इंडिया में रिफॉर्म के बाद काफ़ी आपको मालूम है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने पड़े हुए हैं। So one of the positive impact is growth rate in GDP, 7.3% per annum. Whereas बेटे China का थोड़ा सा decline आया और पाकिस्तान में भी decline आया 5.3%. अगर हम इसको per capita से compare करें, क्योंकि हमें मालूम है ये तीनों ही populated countries हैं, China में large population है, सबसे highly populated country है, number two पे India है, ठीक है। तो पर कैपिटा में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जानने में, पर कैपिटा इंडिकेटर्स में, तो 3840 यूएस डॉलर्स ऑफ इंडिया, 9210 यूएस डॉलर्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान 3030 यूएस डॉलर पर कैपिटा, ठीक है। सो कंपैरिजन इज देयर, इसको आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो। So the second parameter on the basis of which we are going to compare these economies is the sectoral share of GDP. That is the percentage contribution of each sector of the economy towards GDP. जो तीन sectors economic activities को हम तीन main sectors में classify करते हैं, primary, secondary and tertiary. So what is the contribution of primary sector towards GDP? And what is the contribution of secondary and tertiary sector towards GDP? So we have the data available of the year 2012. It tells us that in India, only 17% of the total output is contributed by the agriculture. So में से 17 करोड़ की output जो है, वो agriculture contribute करता है। मैंने ओनली 17 इसलिए बोला बिकॉज देयर वॉज अ टाइम 1951 का अगर हम डेटा कंपेयर करें तो द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मोर देन 50%। नाउ इट हैज डिक्लाइन टू 17%। चाइना में ड्रास्टिक इंक्रीज है, ओनली 10% ऑफ द जीडीपी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्राइमरी सेक्टर। पाकिस्तान में द डेटा इज स्टिल अ बिट हाई, higher than India, that is 20%. Then bete, industrial contribution, you can refer to your books for the data also, theek hai? Industrial sector mein 26%, China mein dekho 47, more than, you know, near about 50%, near than half of the GDP comes from industrial sector. Reason, Great Leap Forward campaign introduced by Mao in the year 1958, in which all the people were encouraged to, you know, establish units, production units in their courtyards, in their houses. Pakistan mein ye contribution abhi bhi kam hai, 26%. India aur Pakistan mein ek similarity hai.
कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो टर्शियरी सेक्टर में है, 57% ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द सर्विसेज, टोटल प्रोडक्शन में 57% हिस्सा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का है, सर्विसेज का है. चाइना में इज बिट लेस, इसमें लेसर देन यू नो इंडिया एंड चाइना बट मोर देन इंडस्ट्रियल सेक्टर. अपना कंपैरिजन अगर वो करे तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रही है, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर से आ रही है. बेटा दिस एंड दिस इज इन कंट्रास्ट टू द डेवलपमेंट हिस्ट्री. अगर हम हिस्ट्री देखें डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलपमेंट हिस्ट्री देखें, हाउ यू नो डेवलप्ड कंट्रीज हैव डेवलप्ड, आज की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने कैसे डेवलपमेंट अचीव करी है, अगर हम उसका एक्सपीरियंस देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, तो ये जो हमारी इकोनॉमीज हैं वो उस तरह से नहीं चल रही. इकोनॉमीज कैसे डेवलप करती हैं, सबसे पहले उनका कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली हर इकोनॉमी का बेटे प्राइमरी सेक्टर में ही रहा है, एग्रीकल्चर वॉज द मेन एक्टिविटी. धीरे धीरे जैसे वो डेवलप करती हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन किसका इंप्रूव होता है, सेकेंडरी का. फिर नेक्स्ट स्टेज पे जब वो आती है फिर टर्शरी का बढ़ता है. लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुआ, इसका कम होके और टर्शरी सेक्टर का बढ़ गया. अब टर्शरी सेक्टर में हम सर्विसेज सेक्टर, ये नहीं कि सारे प्रोफेशनल्स ही आते हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टूरिज्म है. बेटे जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स हैं वो भी सर्विस सेक्टर में आते हैं, जो रिक्शा पुलर्स हैं वो भी सर्विस सेक्टर में आते हैं, छोटे मोटे ट्रेडर्स जो हैं, कारपेंटर्स जो हैं, ऑल आर कंप्राइज्ड ऑफ कंप्राइज्ड इन टर्शरी सेक्टर. एंड यू नो इंडिया में उनकी नंबर जो है वो ज्यादा है. ठीक है, ओके, देयर इज वन रेक्टिफिकेशन बेटे, दिस इज 54%. ठीक है, सो अ बिट लेस देन इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्शरी बट क्वाइट हायर एज कंपेयर टू इट्स ओन सेक्टर्स. प्लीज मार्क इट. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी द सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज अ सेकेंड इंडिकेटर ओनली. ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उसी इंडिकेटर में आता है कि कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, एक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसमें कितने लोग एंगेज्ड हैं. सो इन इंडिया बेटे मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. वेरी यू नो डिस्टर्बिंग फैक्ट, क्योंकि ये जो 51% लोग हैं ये मिलके कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं जीडीपी में, ओनली 17%. ठीक है, सो विच मीन्स देर इज यू नो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो. वेट करो, ठीक है, एंड 22% इज एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, 27% इज एंगेज्ड इन द टर्शियरी सेक्टर. चाइना में 34%, इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन 10% ही थी जीडीपी में. ठीक है, 34% लोग मिलके 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगेन दिस इंडिकेट्स लो प्रोडक्टिविटी. 29% पीपल आर एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज अ गुड फिगर, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी है. 100 में से 29 पीपल आर एंगेज्ड बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50% टू द टोटल जीडीपी. अगेन दिस फैक्ट, 37% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन टर्शियरी, ओके विद इट. पाकिस्तान में भी काफी हाई फिगर है जो लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं, अगेन इंडिकेट्स द फैक्ट लो प्रोडक्टिविटी है, डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन यू नो लैंड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन वेरी लेस परसेंटेज पीपल इंगेज्ड इन इंडस्ट्रीज, इसका मतलब एक इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कंट्री है पाकिस्तान आज की. 35% आर इंगेज्ड इन टर्शरी, इसका मैंने बताया दिया लार्ज पूल ऑफ अनक्वालिफाइड पीपल are also comprised in this sector. ठीक है, so tomorrow we will be better discussing about you know next two parameters. And yes, एक